प्रदर्शन आपने करा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कहेंगे कि ये अभी हमारा जो है प्रथम चरण है। अभी हमारा ये एकमात्र जो है प्रतीक के तौर पर है। यदि सरकारें मांग नहीं मानती हैं तो इससे बड़ा भी हमारा प्रदर्शन होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये अभी चंद समय में ही, जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह गौतम ने मात्र 10 जून को 2018 में शपथ ली थी, और तभी उन्होंने संकल्प ले लिया था कि मैं अपने जो टीम के, सही मायने में जो काम करने वाले साथी हैं, मैं उनके माध्यम से तलवार को पूरे भारत में फैलाऊँगा। आप देख रहे होंगे कि मेरे राइट में जो खड़े हैं राकेश वर्मा जी, जो समता सैनिक दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मीडिया के भी प्रमुख हैं। वो आपको मैं बता दूं कि जो हमारी राजस्थान पत्रिका जो निकलती है उसके संपादक हैं, और समता सैनिक दल के अपने राष्ट्रीय महासचिव हैं और प्रवक्ता भी हैं। और बराबर में जो हमारे साथी खड़े हैं, ये दिन रात डॉक्टर जसपाल जी, ये भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, हमारा जो मुख्य कार्यालय उसके हेड हैं। रैली में जो आपकी मांगे हैं, हाँ, अगर वो आपकी मांगे पूरी नहीं करी गई, हाँ, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? हमने बताया है ना आपको कि ये जो सरकार है, ये जो निकम्मी सरकार है, जो विशेष रूप से हमारे एससी एसटी और माइनॉरिटी के जो भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं विशेष रूप से, उनको जो टारगेट कर रही है, उनको आतंकवादी बना रही है जबरदस्ती, और जो हमारे दलित भाई हैं उनको विशेष रूप से ये नक्सलाइट बना रही है, तो ये ऐसी सरकार को समता सैनिक दल 2019 में होने वाले चुनाव में इनको हर हालत में उखाड़ फेंकेगा। दूसरा, अब ये जो सरकार है ना, अब जो जहाँ कहीं भी बन रही है, तो ये ईवीएम के घोटाले से बन रही है, ये ईवीएम के घोटाले से बन रही है। तो समता सैनिक दल पूरे देश में ये माहौल तैयार कर रहा है कि अब या तो चुनाव बैलेट पेपर से होगा, नहीं तो ईवीएम जो है तोड़े जाएंगे 2019 में। समता सैनिक दल ये आज जो रैली आपने निकाली है, हाँ, इसका मेन पर्पस क्या है, मेन मकसद यही है। मैं आपको जो मेमोरेंडम है जो हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से तैयार किया है, वो मैं आपको अभी पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि हमने लिखा है प्रतिष्ठा में महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली एक विषय 26 नवंबर 2018 को संविधान दिवस के पावन अवसर पर समता सैनिक दल द्वारा संसद भवन पर अम्बेडकरवादी समाज की ज्वलंत समस्याओं के समाधान हेतु धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन पत्र समता सैनिक दल परम पूज्य बोधसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा 24 सितंबर 1924 को स्थापित तथा भारत गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक विशुद्ध सामाजिक संगठन है, जिसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र की एकता और अखंडता को अच्छुट रखते हुए जातिविहीन वर्गविहीन एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। महोदय, आपको अवगत कराना है कि केंद्र व राज्य सरकारें भारत के नागरिकों को सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों का परिपालन करने में असफल रही है। अतः समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह गौतम जी के नेतृत्व में संसद भवन पर प्रदर्शन कर आपसे निम्नलिखित मांग करता है। नंबर एक, भारत के अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक पिछड़ी जातियों एवं महिलाओं पर होने वाले जघन्य अपराधों पर रोक लगाने व एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को पूर्णतया लागू किया जाए, अवहेलना करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को दंडित किया जाए। यहाँ पर आप किस चीज को ज्ञापन सौंपने वाले हैं? मैं वही बता रहा हूँ सर आपको, ये हम सबसे पहला जो राष्ट्रपति को देंगे ज्ञापन, ये मैं राष्ट्रपति का आपको सुना रहा था, आपने पूरी मांगे नहीं सुनी, पहले पूरे मांगे सुन लें उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा। दूसरी जो हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि भारत से जो दोहरी शिक्षा प्रणाली है उसको समाप्त किया जाए और समान शिक्षा नीति लागू करके शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एक तरफ आपने देखा है कि लाखों रुपए देकर के एडमिशन किया जाता है, और एक तरफ जो सरकारी स्कूल हैं उसमें हमारे जो गरीब समाज के बच्चे हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे हैं, वो पढ़ा नहीं सकते साथियों। और नंबर तीसरा जो मांगे, भारत के सभी नागरिकों को समान स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए तथा सभी निजी अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ी जातियों का सरकारी नौकरियों में रिक्त आरक्षण अविलंब विशेष भर्ती अभियान चलाकर पूरा किया जाए, भारत के
जितने भी प्राकृतिक संसाधन एवं सेवाएं में जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों की हिस्सेदारी एवं भागीदारी सुनिश्चित की जाए। नंबर 6, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से कॉलेजियम सिस्टम हटा करके भारतीय न्यायिक सेवा के द्वारा यानी जजों की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाए, जिससे समाज के सभी वर्गों को उचित न्याय मिल सके। भारत के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था को संविधान की 9वीं सूची में सम्मिलित कर पूर्णतः लागू किया जाए। नंबर 8, भारत में स्थित बौद्ध गया महाबोधि विहार का प्रबंधन हिंदुओं के प्रबंधन से मुक्त कराकर भारतीय बौद्धों के द्वारा संचालित करने का संसद में विधेयक ला करके सर्वसम्मति से पारित किया जाए। आपने देखा होगा कि जो मस्जिद होती है, मस्जिद के अंदर केवल जो उनका जो संचालन है वो मुसलमान के जो मौलवी हैं उनके हाथ में रहता है, और जो हिंदुओं का जो मंदिर होता है वहाँ पर जो पंडित जी होते हैं उनके हाथ में होता है, और आपने देखा होगा गिरजाघरों के अंदर जो पादरी होते हैं उनके हाथ में रहता है, आपने देखा होगा गुरुद्वारों के अंदर जो सिख हैं, सिख के जो गुरु हैं उनके हाथ में होता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि यहाँ के जो बौद्धों का जो तीर्थ स्थल है, जिसको दुनिया में भारत के बाहर के जो लोग भी 45 देशों के लोग जो है मानते हैं इसको, लेकिन उनको जो है जो उसका जो मैनेजमेंट है बौद्धों के हाथ में न होकर के आधा हिंदुओं के हाथों में और आधा बौद्धों के हाथों में, और उसमें भी यदि उसमें एक और ये उसमें एक बहुत बड़ी कमी है कि वो जो आपका जो उसके अंदर सबसे बड़ी खामी है कि यदि वहाँ का जो DM है यदि वो हिंदू होगा तो वो उसका चेयरमैन होगा। एक बार क्या हुआ कि वो मुसलमान चेयरमैन आ गया, तो मतलब मुसलमान DM आ गया तो उसको चेयरमैन नहीं बना गया, लेकिन उसका ADM जो था ADM हिंदू था तो उसको उसका चेयरमैन बनाएगा। तो ये कैसी विडंबना है भाई, चेयरमैन जब DM का जब उस संविधान में है तो उसको बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। तो इसलिए समता सैनिक दल ये भी मांग करता है, ये बहुत दिनों से मसला चला रहा है कि जो बौद्धों का तीर्थ स्थल है जिसमें दुनिया के लोग अरबों खरबों रुपए हर साल देने के लिए आते हैं और शिक्षा विकास के लिए। समता सैनिक दल पहले हजारों संख्या में आता था, आपकी संख्या कुछ कम हुई है, हाँ, ऐसा क्यों है? उसका कारण ये है कि कुछ साथी हमारे इसमें बहुत अच्छे जो साथी थे, कुछ लोग हमारे वो राजनीति में चले गए। आप समझते हो कि राजनीति में चले जाते हैं तो बहुत सारे भाई जुड़ाव रखते हैं तो स्वाभाविक है भाई कमजोर होगा। जैसे कि हमारे AR जोशी जी उसमें कांग्रेस पार्टी में चले गए, तो बहुत सारे साथी उनसे जुड़े हुए थे। कुछ लोग है ना व्यक्तियों के साथ जुड़े रहते हैं, अभी कहा गया। दूसरे जो साथी हैं हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी, वो जो है आम आदमी पार्टी में चले गए, आज मिनिस्टर हैं। तो भाई थोड़ा सा जैसा कि अभी उमेश सिंह गौतम जी ने कहा था कि हमारे दल कोई भी पार्टी से नहीं लेता, फिर ऐसा वो क्यों चले गए? फिर वो कौन? नहीं ऐसा नहीं है, पार्टी में इसमें समता सैनिक दल में तैयार होकर के पार्टी में तो भेजेंगे, क्योंकि बिना राजनीति के भी काम नहीं चलेगा, राजनीति भी तो चाहिए भाई। इस राजनीति को इतने उर्दू खुर्दू नाकारा लोग अय्यास लोग चला रहे हैं, और अच्छे लोग यदि हम बाबा साहब के मानने वालों को राजनीति में भेज रहे हैं तो वो समाज का कल्याण कर रहे हैं, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो या दूसरे साथी हो, बहुत सारे साथी हैं। तो राजनीति में भी हमारा भेजने का काम है, अच्छे लोग जाएं और खराब लोग इस संसद से और विधानसभाओं से बाहर निकले, ये समता सैनिक दल के उद्देश्य में है। मैं आपका जो TV है जुल्मा आज तक, मैं उसका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि हमारे समता सैनिक दल के इसमें जो प्रदर्शन में यहाँ पर आया और इस समता सैनिक दल के कारवा को आगे बढ़ाने में जो सहयोग दिया, हम आपका दिल से आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत। और जो दूसरे साथी हैं हमारे SM News, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।